हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 30% महिला आरक्षण है उस पर अब सरकार क्या करने वाली है, क्या सरकार के पास ऑप्शन हैं। कुछ आज के न्यूज़पेपर की खबरों के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ अन्य जानकारियां भी हैं जो जिनकी होने की संभावना है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या रही मुख्य जो सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी गलती रही। उससे पहले जिन लोगों ने 200 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएँ और जानकारी वाली वीडियो लेकर के आएँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट गलती क्या रही सरकार की। ये अगर ये जो 30% महिला आरक्षण वाला विषय था दोस्तों, जो आज तक राज्य बनने से लेकर कर अभी वर्तमान स्थिति तक जो 30% महिला आरक्षण दिया जा रहा था, उसके पीछे जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि जो 30% आरक्षण का आधार है वो केवल कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव हैं। एक 2001 में लाया गया था और एक 2006 में लाया गया था। इन कैबिनेट प्रस्तावों के माध्यम से राज्य में 30% महिला आरक्षण दिया जा रहा था, जो सीधा सीधा असंवैधानिक है। संविधान इस प्रकार की इजाज़त नहीं देता है कि आप इस प्रकार के जो नौकरियां हैं उसमें समानता के अधिकार को समाप्त कर दें। और यही कारण रहा कि ये कल कोर्ट में 30% महिला आरक्षण जो है वो खारिज हो गया। अगर इसकी जगह में सरकार के पास विधेयक होता, राज्य विधानसभा का, तो शायद ये इतनी आसानी से खारिज नहीं होता। इसमें अधिक डिस्कशन होता और समय लगता, खारिज होता या नहीं होता वो भी एक तर्क का विषय होता, क्योंकि फिर आपके पास और अधिक ऑप्शन होते सुप्रीम कोर्ट जाने के या और भी अन्य तरीके की चीज़ें होती। लेकिन केवल अगर आप कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से अगर आप कोई भी नियम लागू कर रहे हैं तो वो बहुत अधिक समय तक संवैधानिक, अगर वो संवैधानिक नहीं है और सरकार संविधान उसकी इजाज़त कैबिनेट को नहीं देती है, तो उसका कल की तरह खारिज होना बहुत निश्चित था और ये तय था कि ये खारिज हो जाएगा। मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी ये बताया था। लेकिन अगर ये विधेयक होता राज्य विधानमंडल का या अध्यादेश के माध्यम से भी होता तो भी ये चल जाता है। लेकिन अध्यादेश जो है वो 6 महीने होता है, तो निश्चित तौर पर अध्यादेश को विधेयक में लाना ही पड़ता, तो इससे थोड़ा एक पक्ष बनता था। अब आज के अखबार में जो खबरें आई हैं उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सरकार अध्यादेश से बचाएगी महिलाओं के क्षति आरक्षण को। तो जिस बात को मैं कह रहा था, अब सरकार उसी बात पर काम करने की सोच रही है कि फिलहाल अध्यादेश ले आएगी और उसके बाद फिर इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फिर चैलेंज होगा, मुझे मालूम है। और उसके बाद फिर वो संवैधानिक डिस्कशन की बात है और अंततः ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि संविधान का इंटरप्रिटेशन का जो अधिकार है वो सुप्रीम, सर्वोच्च न्यायालय को ही है, तो इसलिए वहाँ पे ये मामला जाएगा। तो आज के इस न्यूज़पेपर में क्या है एक बार देख लीजिए कि राज्य आंदोलनकारियों के बाद अब राज्य की महिलाओं के क्षति आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य ने उन शासनादेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है जिनके जरिए राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षति आरक्षण का लाभ मिल रहा है। यानी इसी प्रकार जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था वो भी 2010-11 के आसपास समाप्त हो गया था। हरीश रावत गवर्नमेंट उसमें विधेयक लाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तब तक हरीश रावत गवर्नमेंट जो है वो गिर गई थी। तो ये सेम तरीके के आपके आरक्षण पद्धतियां हैं। अब सरकार जो है वो उसमें अध्यादेश ला करके ये कोशिश कर रही है कि फिलहाल हम इसको इस परीक्षा के लिए अप्लाई करा लें अध्यादेश के माध्यम से जो वर्तमान समय में चल रही है, और आगे जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का भी प्रयास किया जाएगा। ऐसा जो है बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि महिलाओं के क्षति आरक्षण के लिए शासन में मामला उठा रहे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगराम का कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, राज्य की महिलाओं को क्षति आरक्षण का लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा, प्रदेश सरकार इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाएगी। अब जो महिलाओं को आरक्षण के मसले पर सीएम से करूंगी वार्ता, रेखा आर्या। अब जो रेखा आर्या जी हैं, मुझे नहीं लगता कि ये आज तक कहाँ थी। ये मामला पिछले 2 महीने से लगभग चल रहा है और सीएम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अब कह रही है कि मैं सीएम से वार्ता करूं, तो ये एक जागरूक मंत्री की पहचान तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जिस दिन सरकार के पास ये मामला पहुंचा होगा, उस दिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तक ये सूचना पहुंच गई होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, औपचारिक अनौपचारिक किसी भी प्रकार से। लेकिन अगर अब जब प्रस्ताव खारिज हो गया, जब जब हाई कोर्ट ने नकार दिया है, उसके बाद अब ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं और जो कहीं से भी राज्य महिलाओं के हित को लेकर के नहीं है। अगर ये वास्तविक रूप से राज्य महिलाओं के हित को लेकर के चिंतित होती तो
कहीं ना कहीं ये विषय आज तक सरकार के पास होना चाहिए, तो सरकार की इसकी इस पर पुरजोर पैर भी होनी चाहिए। अगर अब अध्यादेश लाया जा रहा है तो पहले अभी इस बीच कितने कैबिनेट हो गई हैं सरकार गठन के बाद से, तब से क्यों इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया? तो ये बहुत गंभीर विषय है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राज्य के हितों को लेकर के अगर जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं होंगे तो फिर कौन गंभीर होंगे? ये बहुत चिंतनीय विषय है। और उत्तराखंड जैसे राज्य में अगर महिलाओं के आरक्षण को प्रोटेक्शन नहीं मिला तो ये कहीं ना कहीं अहित है राज्य की महिलाओं का। और यहाँ की जिस प्रकार की यहाँ की जो पर्वतीय शैक्षिक व्यवस्थाएँ हैं उनमें बहुत कम मौके मिल पाते हैं, अगर उसमें से एक महिला का भी अहित होता है तो ये कहीं ना कहीं राज्य के गठन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इस राज्य को बनाने का औचित्य क्या था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और राज्य जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं, मंत्री हैं उत्तराखंड की, उन्हें इस विषय पर गंभीर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब और क्या विकल्प हैं? देखिए, इसमें मुख्यतः दो ही विकल्प हैं कि अध्यादेश के माध्यम से आप विधेयक को ले आएँ, और क्योंकि विधेयक तो तभी आएगा जब सदन होगा, सदन चल रहा होगा, तो यानी फिलहाल अध्यादेश लाया जा सकता है और जब सदन होगा तो उसको विधेयक में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट का विषय हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करता है या नहीं करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट विषय है वो ये है कि जब ये सब हो जाएगा तो आप सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से अपनी पैरवी करोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तीसरा जो है वो केंद्र सरकार का ऑप्शन भी आपके पास है। तो इन तीनों विषयों पर सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इस समय दोनों ही जगह सेंट्रल और स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसका फ़ायदा राज्य की महिलाओं को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य की महिलाओं को सोचना चाहिए कि उनके प्रति कौन सी सरकार गंभीर है, कौन उनके जनप्रतिनिधि के रूप में सही है। क्योंकि अगर दो महीने में महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को ये पता ही नहीं है कि राज्य में महिलाओं के आरक्षण को लेकर के चल क्या रहा है, तो उन्हें वोट देने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो उस पद पर बैठने में कितनी योग्य हैं या नहीं हैं वो आप सुनिश्चित करें। आप मतदाता हैं और अपने हिसाब से अपने विवेक का उपयोग करें। तो दोस्तों, देखते हैं क्या इसमें आगे सरकार करती है, ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि अभी राजनीति का विषय भी बनेगा धीरे धीरे। और देखते हैं सरकार इसमें किस प्रकार से रिएक्ट करती है, और जैसे ही कुछ आएगा तो हम आपको उस विषय में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में।